हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र के भुरना गांव में महिलाओं ने अपने गांव में हो रही अवैध शराब के कारोबार को लेकर तहसील कार्यालय में जमकर हंगामा किया। इन लोगों ने लक्सर SDM किशन सिंह नेगी को एक प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाए हैं कि लक्सर पुलिस पैसे देकर अवैध शराब के कारोबारियों पर कार्यवाही नहीं करती। इन महिलाओं का कहना है कि लक्सर पुलिस की मिलीभगत के चलते हमारे गाँव में अवैध शराब बिक रही है और लक्सर पुलिस कई बार शिकायत करने के बाद भी कार्यवाही नहीं कर रही है। पहले भी कई बार आबकारी वालों को पुलिस में SDM को दिया, लेकिन इसमें कोई पाबंदी कोई कुछ नहीं हो पा रही। पुलिस जाओ खाली आता जाओ वहाँ से, ना कोई आज तक पकड़ा। आबकारी वाले तो गए भी नहीं, 3-4 बार में लिखित भी दिया हुआ, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। आबकारी वालों की तो मिली भगत थी, शराब भी खरीदा हूँ। दारू पी पी को औरतों की और बच्चों की बहुत मार पिटाई करते हैं, और ये जा पुलिस वाले जा हाँ ये रुपए ले ले क्यों भाग गया, ये क्यों नहीं कुछ करते इनके बारे में। ये जा दारू बेच रहे हैं और काट रहे हो, हमें बता दो क्यों नहीं करते हैं ये कुछ भी। और हम पैसे जो आदमी कमाते हैं सारे दारू पीते हैं सारों की, और हम भूखे बहुत, और पुलिस आती है और पैसे लेकर भाग जाओ जो दारू बेच रहे। वहीं लक्सर SDM से कार्यवाही का आश्वासन मिलने के बाद महिलाएं आबकारी कार्यालय पर भी पहुंची। लक्सर SDM किशन सिंह नेगी का कहना है कि लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी को पत्र भेजा जा रहा है कि गांव में अवैध रूप से शराब बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। देवभूमि न्यूज हरिद्वार।